नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा है वो जेठालाल गढ़ा है, तो आई एम श्योर कि ये ओरिजिनल जेठालाल गढ़ा नहीं होंगे, इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा हुआ इस नाम से। क्वेश्चन पूछा है, टिल टुडे आई हैव ओनली मेड द नोट्स ऑफ 70-80% ऑफ द जेई सिलेबस ओनली फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल एंड माई प्रैक्टिस लर्निंग एंड रिविजन इज ऑलमोस्ट जीरो। द ओनली थिंग दैट आई हैव डन टिल नाउ इज वॉचिंग लेक्चर्स फ्रॉम योर यूट्यूब एंड मेकिंग नोट्स, गेटिंग 80-90% मार्क्स इन जेई मॉक टेस्ट। ओके, प्लीज हेल्प हाउ आई शुड प्रोसीड फॉर जेई 2023। आई वॉन्ट टू क्लियर जेई एडवांस इन एनी केस। आई नो इट looks unrealistic and foolish, but escaped Fiji classes to watch your channel lecture. How should I proceed? I'm ready to give 10 to 12 hours per day. I don't want to take drop. ये बोला है। तो देखो, अगर तुमने 70-80% अगर जेई सिलेबस हो गया तो आई वुड से कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, अभी भी आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुमने लेक्चर देखे हैं और नोट्स बनाए हैं तो जो बचा हुआ 20% सिलेबस है उसमें आई विल से कि वो खत्म करो और उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ कर लो जरूर। और जो 20% सिलेबस है वो अगले 1.5-2 महीने में खत्म किया जा सकता है आराम से विद प्रैक्टिस। और पुराने वाले के कम से कम तुम नोट्स रिवाइज करते रहो, दिसंबर के लास्ट तक तुम पूरा सिलेबस फिनिश करो, मतलब जो लास्ट का 20% है उसमें तुमने लेक्चर देख लिए हैं प्लस उनका प्रैक्टिस कर लिया। मेंस लेवल के 30-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर लो, उतना सफिशिएंट है। और दिसंबर तक ही जो तुमने पुराना कोर्स किया है उसके केवल नोट्स की रीडिंग लगाते रहो जो भी तुमने बना रखे हैं। जनवरी जब दिसंबर खत्म हो जाए उसके बाद जनवरी में व्हाट यू कैन डू, जो पुराने चैप्टर हैं उनमें मेंस लेवल के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, 50-60 क्वेश्चंस मेंस लेवल के पर चैप्टर जिस सीक्वेंस में पढ़ाया गया उसी सीक्वेंस के हिसाब से। आई थिंक बाय डूइंग सो तुम्हारा मेंस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगा मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पहले, और उसके बाद तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो फर्स्ट मेंस के बाद। उसके बाद भी प्लेंटी ऑफ टाइम बचेगा, मतलब फरवरी मार्च से स्टार्ट करके डेली अगर तुम 2 दिन दोगे पर चैप्टर को भी तो भी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि थ्योरी तो सेम ही रहता है। थ्योरी तो जो हमने एडवांस की लेवल की ही पढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, केवल प्रैक्टिस वाला चीज है एंड दैट कैन बी डन। तो बी पॉजिटिव, और जैसा तुमने बोला कि 10-12 आवर्स डेली यू कैन गिव, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। अगर तुम इतना कर सकते हो तो यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन के तरफ आते हैं, और इसमें जो बच्चे ने चैनल का नाम रखा है वो विस्वर द डेप्थ ऑफ फिजिक्स रखा है। पहले उसका क्वेश्चन सुनते हैं। अच्छा, इस बच्चे के जैसे मैं क्वेश्चन समझ पाया, इस बात से परेशान है कि कुछ बच्चों ने जैसे अभी र्यूमर फैला दी थी ना कि एग्जाम इतनी बजे होगा, इतने तारीख को होगा या जनवरी में होगा या पक्का हो गया है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया भी था कि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक न्यूज़ दी थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया कोई गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो वो बोल दें वही सच्चे होगा। और आगे जाके ये एनटी के डायरेक्टर ने बोला भी कि अभी डेट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो जैसा हमने उस वीडियो में सजेस्ट किया था, वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, जब तक हमारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करने से चेंज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, प्रिपरेशन सारा उथल पुथल हो जाएगा। एक बार जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद यू कैन मेक योर स्ट्रेटजी इन कमिंग डेज, जो भी बचे हुए डेज होंगे उसके लिए। अब ऐसे में कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत कम टाइम बचे, तो आई विल से कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बहुत कम टाइम बचे। और अगर तुम अभी से जबरदस्ती तेज करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि ना तो फर्स्ट मेन अच्छा होगा और कंसिडरेबल टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। अगर अभी हम वैसे ही तैयारी करें जैसे पहले तैयारी कर रहे थे, और बाई चांस अगर जल्दी हो भी जाता है तो भी यू विल बी एबल टू गिव decent fight because of your completed syllabus। और फिर उसके बाद mains 2 भी है, कम से कम mains 2 के लिए you will have very solid base। और अभी जनवरी में mains होगा, इसकी probability मेरे हिसाब से तो काफी कम है। तो we should wait जब तक examination के बारे में NTA officially कुछ ना बोले, तब तक हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही करते हैं कि सारे distraction से दूर रहें तो ही अच्छा आएगा। यू शुड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी डे। तो अगर तुम अपने दिमाग से ये निकाल दोगे तो शायद हम सुकून से पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, ऑल द बेस्ट। सुनते हैं कि क्या दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो उसने पूछा है अभी जो चैप्टर चल रहे हैं वो तो ठीक है, बट पुराने चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें। तो देखो, ये सारा टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। पुराने चैप्टर को जो भी हम जैसे फोर्टनाइटली टेस्ट लेते हैं या 21 दिन में टेस्ट लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ICQ के टेस्ट दे रहे हो या फिर जनरल बैच के टेस्ट दे रहे हो, उसके बीच में हमारा पूरा सिलेबस एक बार क्यूमुलेटिवली रिवाइज हो जाना चाहिए। और रिविजन के लिए मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप केवल एक नोट्स की रीडिंग लगा लो। नोट्स की रीडिंग लगाने से क्या होता है कि हमारी चीजें फ्रेश रहती हैं। जब जिस टाइम पे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पे हमें पूरी फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। और जैसा प्रगति ने बोला कि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करें और एक्सरसाइज 3 के PYQ करें मेंस वाले, तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। और इससे यू शुड गेट गुड मार्क्स एंड गुड परसेंटाइल। अगर इसको हम अपने आप 60-70% तक करने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद अगर किसी भी देखो टाइम बचता है तो डेफिनेटली ये बात तो सबको समझ में आती है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा बेटर चांस हो जाएगा उतना ही मार्क्स स्कोर करने का। तो अगर टाइम अवेलेबल है तो यू शुड डू इवन मोर। दोनों बात का मैंने आंसर दे दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन करने के लिए हम केवल नोट्स की रीडिंग लगाएं, उसमें जो बीच बीच में इलस्ट्रेशन आते हैं वो भी
भी पढ़ लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के लिए इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि वो रीडिंग लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाए, वरना क्या होगा कि सारी चीजें हैफ हैज़र्ड हो जाएंगी या फिर कोई एक सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो दैट इज नॉट ए गुड सिचुएशन टू बी इन। तो मेरे हिसाब से तो नोट्स की रीडिंग लगाएं दो टेस्ट के बीच में, डेली एक दो घंटे निकाल सकते हैं उसके लिए। एक्सरसाइज वन का पार्ट टू करने से और PYQ करने से मेंस का अच्छी तैयारी हो जाएगी इन माय ओपिनियन। और उसके ऊपर जब एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाए फिर ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड योर एडवांस का प्रिपरेशन इजीली ऑन दिस। दिस विल प्रोवाइड यू अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर JEE प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आस्क कॉम्पिटिशन में एक बच्चा है पार्थ गोयल, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आइए सुनते हैं क्या पूछा है इसने। हेलो सर, मैं एक ट्वेल्थी हूँ और मैं JEE दे रहा हूँ अभी 2023 में। अच्छा, पार्थ ने खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं। केमिस्ट्री किससे रिलेटेड पूछा है वो तो आई विल लीव फॉर ALK सर एंड NS सर टू आंसर। मैथमेटिक्स उसने ये बोला कि पहले उसने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा था और जहां उसका अच्छा नहीं गया तो फिर वो छोड़ के अब वापस उसने प्रवीण के चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो आई विल से कि जो बचा हुआ टाइम है, बच्चा 2023 की तैयारी कर रहा है तो उसका मतलब क्या कि अब काफी कम टाइम है। तो इसके लिए पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे ICQ के लेक्चर्स हैं वो यूज कर सकता है एक सिस्टमैटिक वे में पूरा सिलेबस एक बार खत्म करने के लिए, और उससे उसकी मेंस के लेवल की अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिकॉज अगर स्टेज पे वो जीरो से बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा और वापस वही होगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा तो उसे टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो ICQ के लेक्चर्स यूज कर सकते हैं पहली बार तो मैथमेटिक्स के लिए। और उसमें जो DPP है वो हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया ताकि बच्चे को एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर भी मिले और सारे रेलिवेंट क्वेश्चन मिले जो उसको JEE में हेल्प करे। तो तुमने प्रवीण में अगर एक्सेस ले रखा है, प्रवीण अगर हमारा बैच में हो तो तुम्हें उसका एक्सेस वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, तो वहां से तो हम अपना मैथ फिनिश करें पहला चीज। दूसरा चीज, यूजुअल बात उसने ये पूछी थी कि हम डिप्रेशन से कैसे बचें, इस तरह के जेनरिक क्वेश्चंस भी थे। तो उसमें तो आई वुड से कि डेली अपने दिन को दो दो या तीन तीन घंटे के स्लॉट्स में हम डिवाइड कर लें और फिक्स कर लें टारगेट के यही मेरे को फिनिश करना है इसके अंदर, और बाकी किसी पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। उस तीन घंटे में हमारा फुल फोकस होना चाहिए कि जो हमने टारगेट रखा है उसको खत्म कैसे करें। तुम अगर 10 दिन भी लग के ये वाली चीज कर लोगे विदाउट ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड तुम्हें फिर अपने अंदर ही बहुत अच्छा लगने लगेगा एंड यू विल फाइंड कि थिंग्स आर वेरी मच डूएबल। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो सोचते रहते हैं कि यार इतना सारा काम बचा हुआ है मैं करूं कैसे, बट वो स्टार्ट नहीं कर पाता। तो आई विल से कि एक बार नेगेटिविटी को साइड करके स्टार्ट करके देखो एंड गिव जस्ट 10 डेज मैंने बोला विदाउट ओवर थिंकिंग, यू विल फील द डिफरेंस अपने आप, तुम्हें लगेगा सारा कुछ डूएबल है। पार्थ ने ये भी बोला था कि वो 12th में है तो बोर्ड कैसे मैनेज करें। बोर्ड के लिए हमने भी प्रवीण वाले बच्चों को एक्सेस दे रखा है अपने बोर्ड के लेक्चर का, जहां पे हमने जो JEE का बच्चा तैयारी कर रहा है उसको बेसिकली पूरा बोर्ड 0 से लेके पूरे 100 तक पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसने काफी कुछ तो ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। तो इसलिए JEE वाले बच्चे के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्यूरेटेड कॉन्टेंट पढ़े बोर्ड का, तो वो लेक्चर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बच्चा वो करेगा तो बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट पार्ट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, आई एम अ 2024 एस्पिरेंट। ओके, जो YouTube चैनल है उसमें बच्चे का नाम है दैट एयर बॉर्न किड, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन से मेरे को ये समझ आया, इसने बोला कि 2024 का एस्पिरेंट है बच्चा और जिस कोचिंग में पढ़ रहा है वहाँ उसको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका काफी ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। ऑब्वियसली बात है 11th में काफी चैप्टर एक दूसरे रिलेटेड भी रहते हैं, अगर बीच में से हम कोई कड़ी निकालें तो आगे वाले चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें तो देखो मैं तुम्हें ये सजेशन देना चाहूंगा कि एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम सीक्वेंशली नहीं पढ़ रहे हैं तो जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन करंट चैप्टर में अगर वो टोटली अनरिलेटेड है देन वेल एंड गुड, वो तुम अपने टीचर से एक बार बात करके ये भी जान सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर्स हमें चाहिए होंगे। तो अगर वो करंटली अनरिलेटेड है तो तुम इसको पढ़ सकते हो और बैकलॉग जो है वो साइड बाय साइड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें पहले जिस सीक्वेंस में पढ़ाया गया था उसी सीक्वेंस में हमें चैप्टर खत्म करना चाहिए। अब तुमने बोला कि रिसोर्सेज क्या है, तो आई विल से कि 11th और 12th के बीच में जो ब्रेक है वो तो ऑफकोर्स है ही, ठीक है, बट अभी से लेके हमें 12th तक का, 12th यूजली अप्रैल में स्टार्ट होगा, वो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पूरा 11th हमें अच्छी तरह फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए अभी से लेके अप्रैल तक, एंड दैट इज वेरी डूएबल। 11th में यूजली वीक में 3 दिन या 4 दिन क्लासेस होती हैं, 12th में जाओगे तो 5 या 6 डेज क्लासेस होगी। अगर तुम 6 डेज पढ़ोगे अभी से तो भी काफी कुछ कवर किया जा सकता है। और जहां तक सिलेबस कंप्लीट करने वाली बात है, आई वुड से कि हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हमने ऐसे बच्चों के हिसाब से ही पढ़ा रखा है, तीनों सब्जेक्ट में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा रखा है कि बच्चा हमने सोचा कि जो घर पे बैठा है जिसके पास कोई भी फैसिलिटी डाउट पूछने की अवेलेबल नहीं है, तो हमने बहुत ही स्लो पढ़ाया है। और 10th से 11th में जो बच्चे के ऊपर मतलब बच्चे के लिए जो बहुत हैवी जंप आता है दैट इज ऑल्सो बींग
बींग टेकन केयर। अगर तुम्हें ऑफकोर्स ऑफलाइन में अगर तुम पढ़ रहे हो तो वहां तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी कि हम उन चैप्टर्स को दोबारा कर लें, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। बट ऑनलाइन से हमारे यूट्यूब चैनल से पूरा एक बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। जहां तक हमारे यूट्यूब चैनल में सीक्वेंसिंग का है, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि किस सीक्वेंस में बच्चे को पढ़ना चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला कि कहीं कहीं चैप्टर मिसमैच हो सकता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स, हो सकता है कि तुम्हारी कोचिंग में ऐसा कोई चैप्टर ही ना हो और वो और किसी में वो वाला सिलेबस इंक्लूड करते हो सकता है वो क्वाड्रेटिक में इंक्लूड करते हो, इसलिए हमने अपना सीक्वेंस भी दिया है। तो चाहे तो तुम अपने कोचिंग के चैप्टर्स वाला सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, या फिर जो हमने एक वीडियो बनाया है उसमें चैप्टर सीक्वेंस अगर करके 2024 करके अगर हमारे चैनल पे वीडियो में सर्च करोगे तो यू विल गेट दैट। और तीनों सब्जेक्ट के लिए यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनी अदर रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम आर वीडियोज फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस के लिए तुम अपने कोचिंग का मटेरियल यूज कर सकते हो अगर उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है और वहां पे डाउट फैसिलिटी अवेलेबल है, देन ऑल्सो इट विल वर्क। तो आई होप you will be giving your best and you will not be leave it for future। मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है आगे चल के ऐसा कर लेंगे, आगे नहीं अभी से करोगे तो आगे की जो लाइफ है वो बहुत ईजी रहेगा। बस ऑल द वेरी बेस्ट।